देगा ये बहुत अच्छे से स्किप कर देगा जब तक ये आपकी स्किन पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। टैपिंग के थ्रू इसको, जिनके बहुत ज़्यादा आईज के नीचे रिंकल्स होते हैं या फिर लैपिंग लाइन आ रही होती है, उन सब के लिए, फाइन लाइन के लिए ना, सब के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जिनको कुछ भी नहीं लगाना होता, ये उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये देखें आप, इसके अंदर हमारे पास पर्ल डस्ट मौजूद है, रियल पर्ल डस्ट, तो ये आपके स्किन को शाइन देता है, ग्लो देता है, ठीक है। कंसीलर लोग नॉर्मली सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि ये दाग धब्बे छुपाएगा, जबकि आपके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए भी हम कंसीलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनके दाग धब्बे जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर लगाऊंगी कंसीलर, और इसकी पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं इसको बहुत लिटिल बिट लेती हूँ। एक और पिगमेंटेशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसको लेते हुए थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल लिटिल, आपको जितनी ज़रूरत है बस उतनी। ये देखें कितना ठीक है, ये दिख रहा होगा, जबकि बिल्कुल राई के दाने से भी छोटा मैंने इसको अप्लाई किया था। मौजूद है सीसी क्रीम SPF 35 के साथ जुडानी गोल्ड की, और अगर ऐसे नहीं दिखे तो हम ब्लैक पे दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। सीसी क्रीम का नॉर्मली स्टैंड फॉर करती है अपना कलर करेक्टिंग के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं, कलर को इन्हेंस करती है आपके, ठीक है, जो भी आपका, और इसके अंदर बहुत अच्छी कवरेज होती है। ये जैसे इनका डबल टोन थोड़ा बहुत इसका आपको दिख रहा होगा, पर जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो इसकी डबल टोनिंग को कवरेज दे देगी है, और जिनको एजिंग की वजह से रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा आ चुकी होती हैं, आप उनको अगर ये देते हैं सीसी क्रीम तो ये बहुत अच्छा उनको रिजल्ट देगी, ओपन पोर्स को भी छुपा देती है। बहुत ही लाइट सी इसकी ब्लेंडिंग आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा।
कोई और बहुत नेचुरल ग्लो है इसका, देखिए पूरी की पूरी अच्छे से मर्ज हो चुकी है आपकी स्किन के अंदर। ये सीसी के नाम कौन सा शेड यूज़ किया? ये हमने लाइट शेड यूज़ किया है, लाइट इसका एक नेचुरल शेड है और एक लाइट शेड है। ठीक है, नेचुरल शेड किसके लिए है और लाइट शेड किसके लिए? नेचुरल शेड जो है आप थोड़ा सा जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, गंदुमी कलर जिनका, आप ले सकते हैं। आप लाइट भी अप्लाई करेंगे, अभी आप अप्लाई करके भी टेस्ट कर लीजिएगा कि आपके क्योंकि ये वेदर ऐसा है इसमें हम बिल्कुल भी फेस पाउडर ना लगाएं तो बेहतर है, नहीं तो अजीब केकी सा लुक आएगा, इसलिए मैं फेस पाउडर फिलहाल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा ग्लो जिनको चाहिए उसके लिए आप ये पीच फैक्टर दावन का यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, इसी एरिया पे हल्का सा आपने इसको टैपिंग के थ्रू हाइलाइटिंग एरिया पे आपने हल्का हल्का इसको टैप कर दिया। आप चाहें तो जब सीसी क्रीम अप्लाई कर रहे हैं या फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप पीच फैक्टर उसमें थोड़ा सा मिक्स करके अगर लगाएंगे तो उसका ग्लो बहुत बेहतरीन बन जाएगा, डबल इसका ग्लो आ जाएगा। ठीक है, इतना नेचुरल दिख रहा है इसको फेस का। हमारी दवन की ही प्लेट है, ये पैलेट है, हाइलाइटर। ये झटपट मेकअप बता रही हूँ, कहीं जाना है आपने फटाफट जल्दी जल्दी अपना ये किया और आप रेडी हो जाते हैं किसी भी फंक्शन में जाने के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है, आप बड़ी जल्दी जल्दी इसको आप कर लेते हैं, उसकी ब्लेंडिंग बहुत इजी है और ओरिफ्लेम के तमाम आई शेडोज की झड़ते नहीं है, गिरते नहीं है, नहीं तो नॉर्मली आप लगा रहे हैं तो आपको 10 दफ़ा जो गिरा हुआ शेड है उसको बचाना पड़ता है, यहाँ पे टेप शेप लगाना पड़ता है। और ओरिफ्लेम के मेकअप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ईजीली उसको हमारे पास ओरिफ्लेम का ही अक्सर सेल फ्लायर में आ रहा होता है, ऐसे मैं ऐसे दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, डार्क ग्रे कलर है ये, इसमें थोड़ा सा कॉर्नर पर अपने भी, मेरा ये पर्सनल मेकअप है तो मैं इसी ही चीज़ पे आपको बताऊंगी। कॉर्नर अगर हम दे देते तो आईज़ का जो कॉर्नर डार्क होने के बाद बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाती है आपकी आईज़। जब मैंने सीखा था ना काम, मैं जब भी ब्रशेस बहुत कम यूज़ करती थी, वैसे ब्रशेस बहुत सी जगहों पर बहुत ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल करूँगी अभी यूज़ बेशक, ब्रशेस के बगैर मेकअप आर्टिस्ट अधूरे हैं, पर मेरी फिंगर सारे काम कर लेती है तो इसलिए मुझे काफ़ी कम
ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा जुडानी का, जुडानी गोल्ड का ही जेल लाइनर आया है, न्यू इंट्रोड्यूस कराया है इस मंथ कंपनी ने, ठीक है। बॉटल है इस फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा लिया आपने, ठीक है, लाइन आ रही है। लोगों को अपना खुद का लाइनर लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन हाल है कि यहाँ सेंटर से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना हमेशा फंसेंगे। हाँ जी, ठीक है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करते हुए, इतना सॉफ्ट एप्लीकेशन है इसकी, इतनी सॉफ्ट, अब आप इसको आगे लाते जाएं और ये देखिए कितना आसानी से आ गया। अच्छा, ऊपर देखो, अब ये वाले जो जगह है इसको आप थोड़ा सा अगर इसको फिल कर देंगे ना अपनी इस वाले कॉर्नर के साथ, तो आईज पे बिल्कुल आपको प्रोफेशनल टच देगा ये चीज़। कितना इजी है ये चीज़ करना, बहुत अच्छा लुक देगा। अंदर तो नहीं आएगा नहीं, अंदर साइड पे वो हम काजल लगाएंगे। अच्छा, इस तरह डर लगता है कि फैल ना जाए ना। बिल्कुल, और ये इतना सॉफ्ट है, ये देखें, वही चीज दोबारा से, बहुत से लोग सिर्फ लाइनर खुद से लगा नहीं सकते इसलिए पार्लर जाते हैं मेकअप कराने के लिए कि हमसे लाइनर नहीं लगता, और इस जगह को लाजमी खींच लें, चाहे खुद भी कर रहे हैं जब भी और किसी और को कर रहे हैं जब भी, एक आईब्रो हल्का सा उठा लें और इस जगह को हल्का सा खींच लें ताकि आपकी एप्लीकेशन करने में आसानी रहे। ऊपर फिर वही चीज़, थोड़ा सा इस कॉर्नर को नीचे वाली लाइशेस के पास से ऊपर ले आए, बिल्कुल बहुत प्यारा सा शेप, थोड़ा थोड़ा कर दिया ठीक है। ओके जी, हमारी ये द वन की होल पेंसिल है, मेरी फेवरेट है, जिनको बहुत ज़्यादा आईज में टीयर्स की इशू हो जाता है ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मुझे क्योंकि कोई भी आई पेंसिल सूट नहीं करती है काजल पेंसिल, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करती हूँ हमेशा। ऊपर देखो, बहुत जेट ब्लैक इसका रिजल्ट है, थोड़ी देर आपकी मदद कर। ओके जी, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं मस्कारा, हमारा वॉल्यूम ब्लास्ट मस्कारा, ठीक है। नॉर्मली ओरिफ्लेम के मस्कारा लोग देखकर चीख पड़ते हैं, ओह ये तो ड्राई आया मेरे पास, जबकि ये ड्राई नहीं है। वही चीज़ मैंने ब्रोकारा के बारे में बताया था कि इसकी टिप में यहाँ लगा होता है, यहाँ नहीं होता।
ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपने लिया मस्कारा और नीचे देखिएगा, ये जेल आपने अपने लैशेस पर तीन जगह पर अप्लाई कर दिया, फिर ये जो इसके ब्रशेस दिए हुए हैं इससे आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये खुद ब खुद नीचे वाले लाइसेंस को सिर्फ ऐसे रख कर ऐसे ही अगर आप हिलाएंगे तो ये काफी हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप, मैंने भी इस पर लगाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट एप्लीकेशन है। लगने के बाद आपकी आई लैशेज कड़क नहीं हो जाती, दर्द नहीं रहती, बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें, जबकि मस्कारा लगा हुआ बहुत नेचुरल है। कहीं पर भी आप ले जाएं इसको, अपने बैग में डाल सकते हैं। और इसमें तमाम ब्रशेज हैं जो आपके आराम से फिक्स हो जाएंगे। लिप ब्रश, आपका लोअर लिप ब्रश, या आपका कॉर्नर कट ब्रश इसको बोलते हैं, आईब्रोज भी इससे होता है। जो थोड़ा बहुत डस्ट गिरी है इसको थोड़ा कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे ब्लो काड़ा, जो कि मैंने इसको कल भी लाइव सेशन लिया था इसका, एक आप लोगों ने देखी होगी उसकी वीडियो, उसी पेज पे आप देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो एक मस्कारा जैसा ही है, पर ये बिल्कुल छोटा सा लिटिल ब्रश है, उसके आगे ब्राउन कलर है, बहुत नेचुरल ब्राउन कलर जो आपको फेकी लुक नहीं देगा, ठीक है। आपने आईब्रोज यहाँ से ऊपर करी शेप देने के लिए, आपने सबसे पहले इसका जेल अप्लाई किया आपके आईब्रोज पर, फिर उसके बाद आपने इसको, इसके जो मज़ीद ब्रशेज हैं इससे मेकअप करते वक्त सबसे ज़्यादा आईब्रोज जो है ना वो हो रही होती है, वाइट पाउडरी हो जाती है, तो उसके लिए ये, अगर आप नॉर्मली, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप एक दफ़ा लगा लें तो आपके आपके पाउडर वगैरह सारे के सारे आईब्रोज पे से ख़त्म हो जाए।
ये वाटर प्रूफ है, तो पसीना जिनको आता हो या कोई भी टेंशन हो तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये देखें, इसके वजह से ऐसा लग रहा है आपने आईब्रोज को बिल्कुल धो के वो कर दिया है। और ये हैंडमेड बॉल्स होते हैं, बिल्कुल पांच से दूर रखें नहीं तो बच्चे तबाह कर देंगे। इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी है, इस पर आपने ब्रश घुमाया बहुत अच्छे से। ये मेरे पास 2 साल से है और ये बॉल्स का वही का वही है, ठीक है। ये आपने अपना, मैं इसी से ही ब्लश ऑन लगाती हूँ, बहुत नेचुरल लुक आता है ये देखिए। ठीक है, ये आपने यहाँ थोड़ा सा स्केच किया और ये ब्लश ऑन को कभी भी ऐसे लगा के नहीं छोड़ा करें, इसको ऊपर तक ले जाके एंड किया करें ताकि वो नेचुरल बिल्कुल आपका चीक बोन का ही ब्लश दिखे, ठीक है। अच्छा, मैं मेरा जो तरीका है नोज की कंट्रोलिंग का, मैं एक दफ़ा ये देख लीजिए, इसका फोम लेकर मैं ऐसे ही लेकर जाती हूँ और ये बहुत इजी तरीके से लोग इतनी फाइन करते हैं। लाइटिंग के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल, वैसे तो बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है फेस, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक लगाने से पहले ना इस एरिया को लाजमी हाईलाइट कर लें ताकि आपकी लिपस्टिक बहुत ही अच्छे से एनहेंस होकर आए। अच्छा, इस वेदर में जब आप लिपस्टिक लगाने जा रहे हैं तो क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो पहले आप एक दफ़ा ये हमारी नन्नू सी कैंडल बाम, ठीक है, इसको अप्लाई कर लें अपने लिप्स पे। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये ड्राई नहीं होगी, पापड़ से बन जाते हैं, बहुत ही हमारी मम्मी बहुत लाइट शेड अप्लाई कर रही है तो हम इसको लाइट शेड ही देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास द वन की ये लिप क्रियॉन मौजूद है,
ठीक है। इसके मैं कभी लाइव वीडियो दूंगी आपको, बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट एप्लीकेशन, थोड़ा सा आउट करूंगी क्योंकि लिप्स पतले हैं थोड़े, तो यहाँ गुंजाइश है कि मैं थोड़ा सा इसको आउट कर लूँ। मेकअप कर रही होगी ना खातून तो उसको तसल्ली नहीं होती जब तक कोई दो तीन शेड ना अपने होते पहले तो प्रॉब्लम मेरा भी खत्म करें। थोड़ा सा और सॉफ्ट देने के लिए मैं दबन का ही ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और सॉफ्ट हो गई, ठीक है। ये मैंने इस वक्त यूज़ किया है दबन का न्यूट एलिगेंस के नाम से 30680। ओके जी, ये हमारी मॉडल राफिया हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और हम इनके भी व्यूज़ लेंगे इनसे कि इनको मेकअप करवा के कुछ हैवी लुक आ रहा है या कैसा लुक कर रही हैं आप। बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहा है, कोई हैवी नहीं लग रहा, अच्छा लगा। आप नॉर्मली ओरिफ्लेम का ही मेकअप यूज़ करती हैं या नहीं। मैं डिफरेंट ब्रांड के यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पहले बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, कर चुकी हूँ और फिर यूनिवर्सिटी जाती हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा उसका ठीक। अभी इनकी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद बंदा दूसरी प्रोडक्ट पर आई ही नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, बिल्कुल लगता नहीं है कि आपने मेकअप वेयर किया हुआ है। ओके जी, ये हमारा था वीडियो हमारे लाइट मेकअप की, और सब लोग इसको देखिएगा और बताइएगा कि इसका लुक कैसा लग रहा है विद ओरिफ्लेम मेकअप। और जितनी भी एप्लीकेशन हमने करी प्रोडक्ट से वो यहीं पर मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं। और हमारे लिए हमारी तरफ से टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्लैपिंग तो बनती है यार, मोबाइल पकड़ में एक ही हाथ, मोबाइल से सर के आते Thank you.